આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર સુરત ખાતે રામ મંદિર નિર્માણ નિધિ માટે રાશિ જમા કરાવવાનો શુભારંભ કરાયો સુરતના પૂણા ખાતે મીટિંગ મળી રામ મંદિર નિર્માણ નિધિ રાશિ એકત્રીકરણનો શુભારંભ કરાયો તમામ હિન્દુ ધર્મના લોકો પાસેથી રાશિ એકત્ર કરાશે તમામ લોકો પોતાની યથાશક્તિ મુજબ દાન આપી શકશે અયોધ્યા ખાતે રામ મંદિર નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે રામ મંદિર નિર્માણ નિધિની બેઠક સુરત ખાતે મળી હતી જેમાં યોગદાનની રકમ એકત્ર કરવાનો પ્રારંભ કરાયો હતો કરોડો હિન્દુ ધર્મના આસ્થાનું પ્રતીક એવા ભગવાન રામનું જ્યારે અયોધ્યા ખાતે વિશાળ મંદિર નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે અલગ અલગ સંસ્થાઓ પોતાના સહયોગ આપી રહી છે અને ભારતમાં દરેક જગ્યાએ નિર્માણ નિધિની સ્થાપના કરાઈ છે તેવામાં તમામ હિન્દુ ધર્મના લોકોનું દાન વિધિવત સ્વીકાર કરી તેમને રસીદ આપી દાનના સ્વીકારનો શુભારંભ સુરત ખાતે કરાયો હતો જેમાં સુરતની વિપ્ર ફાઉન્ડેશનના નેજા હેઠળ રામાપીર સેવા સમિતિ અને ટીમ સંસ્થા દ્વારા પોતાના સહિયારો સહયોગ આપી દાનની રકમ એકત્ર કરશે જેની મીટિંગ આજરોજ મળી હતી આજે જ રામ મંદિર નિર્માણ નિધિ સમિતિને અલગ અલગ રસીદો આપવામાં આવી છે જેમાં 10 રૂપિયાથી માંડી હિન્દુ ધર્મના લોકોને નમસ્કાર ટીમ સંસ્કાર સુરત से मैं चैनसु खंडेलवाल संयोजक हूँ। मैं सभी सनातनी धर्मावलंबियों से ये अपील करता हूँ कि जो अपने विप्र फाउंडेशन ने जो ये कदम उठाया है उसके तहत हमारी पूरी टीम संस्कार के साथ मिलकर के हम सभी सनातनी धर्मावलंबियों के घर घर जाकर के ये राम मंदिर निर्माण में जो समर्पण राशि है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण आए वो कोशिश करेंगे। वो थोड़ा मैं मेरी टीम के बारे में बता देता हूँ। हमारी टीम विशेषकर नशा मुक्ति के लिए कार्यरत है और जो भी युवा संस्कार भूल चुके हैं और जो भी मतलब ये समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ हैं उनको अलर्ट करने के लिए हमारा टीम काम कर रही है और घर घर जाकर लोगों को ये नशा मुक्ति अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने में सहयोग करती है। नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप नशा करने से और मेरा नाम रघुवीर खंडेलवाल है। मैं रामापीर सेवा समिति आशानगर उधना का कार्यकर्ता हूँ। हमारी जो समिति जो संस्था है वो विभिन्न टाइम पर सूरत में धार्मिक यात्राएं आयोजित करती है और बाबा की सेवा का कार्य करती है, साथ ही और कई सेवा कार्य करती है। तो आज जो हमारा ये मेन उद्देश्य है वो राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से और समाज से और सभी धर्म सनातन धर्मावलंबियों से ये आग्रह करती है, ये अपील करती है कि सभी सनातन धर्मावलंबी देश के जितने भी लोग हैं वो इसमें जुड़ करके और इसमें भागीदार बने, सहभागी बने, यही हमारा कामना है। धन्यवाद। ललित शर्मा, मीडिया प्रभारी, विप्र फाउंडेशन, जोन 15, गुजरात। एक यजुर्वेद के अंदर 9वें अध्याय के अंदर 23वीं सूक्ति है, वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, जो सबका हित करता हो वो पुरोहित होता है, पुरता हित है इति पुरोहित है। और यजुर्वेद में ऐसा कहा है कि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, जो हम विप्र फाउंडेशन के यहाँ विप्र बैठे हैं, हम समरस समाज की कल्पना सदैव पुरातन काल से करते आए हैं और राष्ट्र को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय निष्ठा, ये सारे समाज में जागृत हो इसका हम सदैव ध्यान रखते हैं, सदैव इस कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। अभी सदियों से जो हमारा चीर प्रतिष्ठित था, आज 500 साल हो गए हैं कि सब का जितने भी सनातन धर्मावलंबी है, संपूर्ण भारतीय है, उनका एक ऐसा हेतु था, एक ऐसा उद्देश्य था कि भगवान राम की जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य और विशाल मंदिर बने और ये अभी आत्मसात होने जा रहा है और हमारे जीवन काल में हो रहा है, इसका हमको गर्व है। इस आंदोलन के तहत जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, योगदान दिया है, वो कई इस संसार में नहीं है, काल कवलित हो चुके हैं, लेकिन अभी हम जब है
और हमारे समक्ष ये कार्य हो चुका है, तो हम ये चाहते हैं, हम सभी विप्र समाज के लोग ये संपूर्ण समाज से चाहते हैं, संपूर्ण मानव समाज से चाहते हैं, संपूर्ण हिंदू समाज ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी लोग यहाँ भारतीय बैठे हैं उन सब से ये चाहते हैं कि अपना यथेष्ट योगदान भगवान राम के इस राष्ट्रीय गौरव का निर्माण हो रहा है, ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्रीय गौरव है, हमारे भारत की पहचान संपूर्ण विश्व में बनेगी इसके कारण। तो इस गौरवमय क्षण के अंदर हम साक्षी बनते हुए जितना योगदान हमसे यथेष्ट योगदान जितना हम अधिकाधिक कर सके हमको आर्थिक योगदान करना चाहिए। और योगदान शब्द यहाँ पे छोटा हो जाता है क्योंकि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए ये सहयोग नहीं है, योगदान नहीं है, ये एक प्रकार से समर्पण है। क्योंकि जो दिया है वो हमको परमेश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, हमारे परमात्मा ने दिया है, तो उसमें से अगर हम कुछ अंश उसको दे देते हैं अगर, तो योगदान नहीं है वो, हमारी तरफ से वो भगवान के प्रति समर्पण है। तो इस मंच के द्वारा हम संपूर्ण भारतवर्ष के सभी भारतीयों को, जितने भी यहाँ भारत में रहते हैं और जो प्रवासी भारतीय भी है, उन सभी से आत्मीय निवेदन करना चाहते हैं कि इस पावन और पुनीत कार्य में, जबकि भगवान राम का विशाल मंदिर निर्मित हो रहा है, अपना अंशदान अपना समर्पण यथा योग्य करे, अधिकाधिक करे। क्योंकि धन की तीन गति होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। अगर हम दान करेंगे तो धन की उत्तम गति होती है, भोग हम कर ही रहे हैं, अगर दोनों गति हम धन की नहीं देते हैं तो उसका नाश हो जाता है, कोई साथ में लेके नहीं जाता है। इसके लिए सबसे विनम्र निवेदन है कि अधिकाधिक योगदान इसमें करें। विप्र फाउंडेशन द्वारा कितना दान हो सकता है? विप्र फाउंडेशन के द्वारा हम अमाउंट नहीं बोल रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि ये अभी किस प्रकार की योजना आगे आएगी इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो विप्र फाउंडेशन अधिकाधिक, क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या होता है, लेना और देना दोनों, खाली लेने वाला काम हम नहीं करते हैं, यज्ञ करना करवाना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, दान लेना और दान देना, लेकिन यहाँ पे दान शब्द नहीं है क्योंकि ब्राह्मण अभी समृद्ध हो चुके हैं। तो ब्राह्मण, क्योंकि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, तो पहला हमेशा चैरिटी बिगिन्स इन द होम। तो हमारे जो विप्र सृष्टि है, जो हमारे समाज की जो सृष्टि है, उनके द्वारा बहुत अच्छी मात्रा के अंदर, अच्छी संख्या के अंदर और अच्छी मतलब एक राशि जो है वो दान दी जा रही है, समर्पण की जा रही है। और इसको ज्यादा से ज्यादा हम, क्योंकि 15 दिन का जो समय हमको मिला है, तो 1 लाख से अधिक वाले सैकड़ों लोग हमारे पास में ऐसे है जो अभी इससे समर्पित करेंगे।